नमस्कार दोस्तों मैं मिस लेनेस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें दोस्तों ये जो ऑर्डर मैं आपको दिखाने आ जा रहा हूँ ये पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा का द्वारा जारी किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ आफ द डायरेक्टर पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर दरभंगा तो इस ऑर्डर में बोला क्या जा रहा है कि जो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो लोग ट्रेनिंग किए होंगे उनको पता होगा वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं फिर ऑफिस असिस्टेंट ऐसे इम्प्लॉज जो काम करते हैं वो भी पोस्टल डिपार्टमेंट के ही होते हैं और वहाँ पे डेपूटेशन पे वो लोग जाके काम करते हैं तो उसके लिए ही डेपूटेशन के लिए ही यहाँ पर फिर से अप्लीकेशन मांगा जा रहा है पोस्टल असिस्टेंट शॉटिंग असिस्टेंट कैडर में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहा है उनके लिए मौका है कि अगर वो चाहें तो पी दरभंगा में काम कर सकते हैं अप्लीकेशन करके अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे जाने के बाद उनका पोस्ट जो होगा वो ऑफिस असिस्टेंट का हो जाएगा जो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट है वहाँ पे अगर उनका डेपुटेशन पे पोस्टिंग मिलता है तो ऑफिस असटेंट पो, पोस्ट होगा और जो पी ओ आर एम एस अकाउंटेंट क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके लिए भी एक सीट है तो उनका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट उनको मिलेगा जिसमें बोला जा रहा है थ्री पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट जो ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है वो तीन है और जूनियर अकाउंटेंट के लिए एक पोस्ट वैकेंट हुआ है पीटीसी दरभंगा में तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो ये जो पोस्ट आया है इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला जो कंडीशन बोला जा रहा है कंप्यूटर नोइंग होना चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और सर्विस जो होना चाहिए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मोर देन फाइव ईयर्स ऑफ सर्विस विथ गुड रिकॉर्ड ऑफ सर्विसेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी जो पाँच साल कम से कम सर्विस हो कंप्यूटर नॉलेज हो और जो लोग एडमिन में काम किया हो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि जो मेल ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको प्रे... नहीं अप्लाई कर सकते या उनको नहीं मौका मिलेगा लेकिन अगर उनको एडमिन वाले जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो लोग ऑलरेडी काम किया हुआ है वो कैंडिडेट को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे तो अप्लाई करने के लिए कोई भी कर सकता है जिसका पाँच साल सर्विस पूरा हो चुका है चाहे वो मेल ऑफिस में काम किया हो पोस्ट ऑफिस में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में कोई लोग भी अप्लाई कर सकता है उसके बाद सर्विस पीरियड कैन बी रिलैक्स इफ़ नीडेड जो इसमें सर्विस लेंथ जो बोला जा रहा है फाइव इयर्स का उसको भी रिलैक्स मतलब कम किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ा तो सिमिलरली ओनली पी आर एम एस क्वालीफाई अकाउंटेंट हैविंग गुड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस विल भी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट वैसे ही पी आर एम एस में जो अकाउंटेंट क्वालीफाई कैंडिडेट है वही जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे और ये अप्लीकेशन फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो इकतीस अगस्त दो से पहले पी दरभंगा को ये लेटर पहुँच जाना चाहिए आपके ये प्रॉपर चैनल जाएगा तो आपका जो डिविजनल हेड होगा उनका रिकमेंडेशन होगा और विजिलेंस क्लियरेंस के साथ कि आपका मतलब कोई भी कसेज नहीं चल रहा आपका विजिलेंस सब चीज़ ठीक है और जो आपका डिविजनल हेड होंगे उनका रिकमेंडेशन भी होना चाहिए वो लोग रिपोर्ट को भेजेगा और इकतीस अगस्त दो से पहले वहाँ पी टी दरभंगा में पहुँचना चाहिए तो जो लोग इसके लिए विलिंगनेस है अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं पॉफार्मा नीचे में दिया गया है मैं भी दिखा देता हूँ पोफार्मा में क्या पूछा जा रहा है फिल करने के लिए और ये सब कैंडिडेट नहीं फिलअप कर सकते इसके लिए पार्टिकुलर कुछ सर्कल फिक्स है जिन सर्कल का ट्रेनिंग बोल सकते हैं कि पीटीसी दरभंगा के अंतर्गत होता है मतलब पीटीसी दरभंगा के अंतर्गत जो जो सर्कल कवर होते हैं ट्रेनिंग के लिए उस सर्कल के जो पोस्टल असिस्टेंट शर्टिंग असिस्टेंट या पी ओ आर एम एस अकाउंटेंट जो है वही लोग सिर्फ एलिजिबल है तो बहुत सारे वैसे कैंडिडेट होंगे जो कि उड़ीसा में पोस्टेड है या वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है और वो रूल थर्टी एट अप्लाई की अगर उनका वेटिंग चल रहा है अभी लॉन्ग वेटिंग है अगर वो अपना होम टाउन के नज़दीक जाना चाहते हैं तो वो भी डेपूटेशन के लिए जा सकते हैं इसके लिए जो सर्विस ले, जो एक डेपुटेशन का टर्म होता है वो मैक्सिमम तीन साल का है उससे पहले भी आपको हटाया जा सकता है लेकिन मैक्सिमम जो टाइम लिमिट दिया गया है वो तीन साल का है पहले वो देख लेते हैं पीटीसी दरभंगा के अंतर्गत जो सर्कल आते हैं उसमें वेस्ट बंगाल सर्कल आएगा उड़ीसा आएगा झारखंड आएगा और बिहार सर्कल आएगा इसके अलावा भी देख लेते हैं कि ये ऑर्डर कॉपी टू में किसको किसको गया होगा वो सारे सर्कल इसके अंतर्गत आएंगे

वहाँ पी में काम करने को आपको मिल जाएगा एक कॉपी टू किसको किसको गया है जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्कल उसके बाद झारखंड सर्कल वेस्ट बंगाल सर्कल और उड़ीसा सर्कल भुवनेश्वर इतने लोगों को ही गया है यानी ये चार सर्कल ही हैं जो पी दरभंगा के अंतर्गत इन यहाँ के इम्प्लॉज जो होते हैं पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट उनकी ट्रेनिंग होती है इसलिए इन चार सर्कल सर्कल को ही भेजा गया है तो ये चार सर्कल में जो लोग काम कर रहे हों अगर वो चाहते हों ट्रांस डेपूटेशन पर जाने के लिए पी दरभंगा में तो अप्लाई कर सकते हैं अपलिकेशन का जो प्रोसेस है थ्रो प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है और सर्विस लेंथ जो बोला गया पाँच साल का होना चाहिए तो वो लोग अप्लाई कर सकता है अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है वेटिंग लिस्ट में है लॉन्ग लिस्ट है अगर वो जाना चाहते हैं तो तीन सालों के लिए जा सकते हैं पीटीसी में यहाँ पे अप्लाई करके उनके पास मौका है वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी अपना अप्लाई कर सकते हैं ये जो है फॉर्मा है फॉर्म का जो कि आपको फिलअप करना है नेम ऑफ द ऑफिशियल डालना है डेजिग्नेशन आएगा डेट ऑफ बर्थ आएगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का या ऑफिस असिस्टेंट का पी ओ आर एम एस क्वालिफाइड है या नहीं है नेम ऑफ़ द ऑफिस वेयर वर्किंग जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं डेट ऑफ द एंट्री इन द डिपार्टमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी अदर इंडियन लैंग्वेज इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे गेम्स म्यूजिक वैसा कुछ कर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है एडमिन ऑफिस में आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर लिख देना है एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो भी यहाँ पर लिख के साइन करके और ये आपको अपने यहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस ऑफिस में जमा करना होगा वहाँ से थ्रू प्रॉपर चैनल रिकमेंडेशन के साथ आपका जो डिपार्टमेंटल हेड होंगे वो फॉरवर्ड करेंगे पीटीसी टी दरभंगा को अगर आपका वहाँ से भी लेटर अप्रूव हो जा रहा है तो फिर आपको डेपुटेशन पे काम करने का मौका मिलेगा मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है उसके लिए तीन साल का है लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो तीन साल से पहले भी आपको हटाया जा सकता है और ये ऑलमोस्ट हमेशा जो भी छः सात पी टी सी हैं उन सब जगह के लिए आते रहता है इन कंडीशन यही होता है कि अगर जैसे कि ये पी टी सी दरभंगा के लिए आया है तो चार साल का सर्कल जो है वहीं के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे ऐसे ही अगर पी टी सी सहारनपुर आ रहा है तो उसके रीजन में जो सर्कल होते हैं जहाँ पे जिन सर्कल का ट्रेनिंग सहारनपुर में होता है वहीं के जो कैंडिडेट होंगे उस सर्कल के वही एलिजिबल होंगे पी सहारनपुर के लिए तो ऐसे करके ये वैकेंसी होता है जो भी वहाँ पर लोग काम करते हैं इवन जो पढ़ाने वाले होते हैं इंस्पेक्टर या एस लेवल के होते हैं वो लोग भी ऐसे ही डेपुटेशन पर ही जाते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगर अभी भी आपको कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो लोग चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में